हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खाना पकाना। आज की हमारी रेसिपी है चिकन बिरयानी। ये हमने बहुत ही झटपट ये रेसिपी रेडी किए है। यहाँ पर हमने सुहाना का चिकन बिरयानी मसाला यूज़ किए है। ये इजीली आधे घंटे में ये रेसिपी रेडी हो जाती है। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए और आपकी राय हमारे साथ में ज़रूर शेयर करिए। चलिए देखते हैं, इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चिकन को अच्छी तरह से धो कर लिए हैं। अभी हम इसमें दही डाल देते हैं, कर्ड। अभी हम इसमें सुहाना का मसाला डाल देते हैं, सुहाना चिकन बिरयानी का। यह हम बहुत ही जल्दी और इंस्टेंटली बना रहे हैं, इसमें ज़्यादा कुछ हमारे पास इंग्रेडिएंट नहीं लगने वाले हैं। यहाँ पर हमने हाफ पैकेट यूज़ किए हैं और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। हमें चम्मच की मदद से या तो इस तरह से इसको हिलाते हुए मिक्स कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अच्छे अच्छी तरह से मिक्स कर दिए है। अभी आप इसे 20 से 30 मिनट के लिए इसे साइड में रख दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक बर्तन में 2 चम्मच तेल ले लिए हैं। यहाँ पर हमारे चम्मच का साइज़ थोड़ा बड़ा था। आप आपकी चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से भी तेल ले सकते हो। हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल देते हैं। मोस्ट ऑफ इसके अंदर जो लंबे लंबे प्याज कटे होते हैं वो डालते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने बारीक कटी हुई डाले क्योंकि हमें ये बहुत ही जल्दी बनाना है इंस्टेंटली। इसके लिए बारीक प्याज रहेगी तो ये जल्दी इसी गल जाएंगी। ये अभी हम इसे ब्राउन होने तक पकने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अभी हम इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। और इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा इसे हल्का से भून लेना है हमें। नहीं, जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखे हुए थे वो डाल देते हैं। और इसमें हम एक चीज़ ऐड करेंगे, वो है आलू। आलू इसमें बिरयानी में बहुत ही अच्छे टेस्टी लगते हैं, इसलिए हम इसमें डालते हैं अक्सर। इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हमने इसे कितने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अभी हम ये जो मैरिनेट करके इसमें थोड़ा सा पानी डालकर ये इसमें डाल देते हैं। और ऊपर से हम 200 ml वाटर ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने जो उसका पानी है वो भी डाले हुए थे, इसमें थोड़ा सा कम डाल देंगे। और इसे हल्के हाथों से मिक्स कर देते हैं। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना दिखने में अच्छा दिख रहा है। अभी हम इसे गोश्त गलने तक पकने देंगे इसी तरह से। आप चाहो तो फास्ट गैस पर 10 से 15 मिनट पकने दे सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, जो बिरयानी है उसका चिकन अच्छे से पक गया है, उसकी ग्रेवी भी बन चुकी है। अभी हम इसका लेयर्स लगाना शुरू करते हैं। इसमें हम जो चिकन बना कर रखे हुए हैं उसे इसमें डाल देंगे और उसके ऊपर फिर हम राइस लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमने लगा दिए हैं। इसमें ऊपर से हरा धनिया डालेंगे और अभी हम इसमें ऊपर से राइस डाल देते हैं। यहाँ पर हमने राइस को पानी और तेल के साथ में पकाए हुए है, उसका हमने पिछले वीडियो में डाल चुके हैं। आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसे अच्छी तरह से हमें चारों तरफ से फैलाते हुए लगा लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने राइस को अच्छी तरह से लगा दिया है। अभी हम इसका मेन चीज़ डालेंगे हैं। हमने 3 कलर दिए हुए हैं, आप आपके पसंद के हिसाब से भी डाल दीजिए कोई कलर डालना है तो। Thank you.
ये देखिए फ्रेंड्स, बिरयानी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये दिखने में कितनी अच्छी दिख रही है, डिलीशियस भी है। ये लीजिए फ्रेंड्स, सुहाना का चिकन बिरयानी रेडी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए और आपके कमेंट हमारे यूट्यूब चैनल खाना पकाना पर ज़रूर भेजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।